नमस्कार, मैं हूं ईशा भार्गव। स्वागत है आपका हमारी इस खास रिपोर्ट में। महिला पहलवानों से यौन शोषण के आरोपी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए, जहां दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण का बयान दर्ज किया है। इसके साथ ही उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे हैं और दोबारा जरूरत होने पर फिर से बयान दर्ज किए जाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ब्रजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली पुलिस की एसआईटी के सामने अपना बयान दर्ज कराया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवान के आरोपों की जांच के लिए महिला डीसीपी की निगरानी में 10 सदस्यीय विशेष जांच टीम का गठन किया है। बताया जा रहा है कि ब्रजभूषण का दो बार बयान दर्ज हुआ है, जिसमें ब्रजभूषण शरण के अपने सफाई में कुछ वीडियो सबूत और मोबाइल डेटा जमा करने की बात कही है। साथ ही बहुत जल्द एसआईटी दोबारा ब्रजभूषण से पूछताछ कर सकती है। वहीं दिल्ली पुलिस की टीम पहलवानों की शिकायत पर उत्तर प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, हरियाणा में सबूत जुटाने के लिए गई थी और देश के बाहर विदेशों में भी ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगे हैं, दिल्ली पुलिस वहां भी संबंधित एजेंसीज के संपर्क में है। साथ ही ब्रजभूषण शरण सिंह के अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर के भी बयान दर्ज किए गए और महिला की शिकायत पर दर्ज दिल्ली पुलिस की एफआईआर में विनोद तोमर भी आरोपी है। बताया जा रहा है कि भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 7 महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया है और इन पहलवानों की शिकायत पर दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और पीड़ितों में एक नाबालिग भी है, जिसके मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है और ब्रजभूषण शरण के खिलाफ पुलिस एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा था। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है, जहां विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक समेत देश के नामी पहलवान बीती 23 अप्रैल से धरने पर बैठे हुए हैं। वही पहलवानों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता वो नहीं उठेंगे। हमारे इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।